अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चले आए हम लोग उर्दू की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओपन जो उर्दू बुक, आज का हमारा हरूफ तहजी है एन, और एन की फोनिक साउंड होती है अ, एन अनक। बच्चे पढ़े एन अ एनक, एन अ एनक, एन की फोनिक साउंड अ, एन अ एनक। सब बच्चे अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करें, पढ़ें और इसको याद करें, एन अ एन। चलें आए अब हम लोग राइटिंग की तरफ चलते हैं। सो ओपन पेज नंबर 41। सबसे पहले आज की डेट और एज जो भी मेंशन कीजिए। आज हम लोगों ने राइटिंग करनी है, ये ऊपर हरूफ तहजी लिखे हुए हैं, इन्हीं को देख के हम लोगों ने नीचे ट्रेस करना है। अब देखिए ये है पे, ते, टे, से, जीम, चे। तो अब आए अब हम लोग इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पे को ट्रेस करना है, इस तरह पे के थ्री डॉट्स होते हैं नीचे की तरफ, ये लगाएं, ये क्या बन गया पे। अब देखिए ते को ट्रेस करें, ते के दो डॉट होते हैं ऊपर, ते, ते के बाद आगे टे आता है, टे को ट्रेस कीजिए। टे के ऊपर क्या होती है मुन्नीसी तोय। टे के बाद आगे से आता है, अगला हरूफ तहजी से होता है, से के ऊपर थ्री डॉट्स होते हैं वो लिखें। से के बाद जीम आएगा, उसको आप ट्रेस कीजिए। जीम का एक डॉट होता है दरमियान में, जीम के बाद चे आता है, क्या आता है चे। अब ये चे को आप ट्रेस कर लीजिए, चे के थ्री डॉट्स होते हैं और दरमियान में। इसी तरह आपने ये ट्रेसिंग करनी है कंप्लीट। अच्छा, आपको सेंटर में किसी किसी जगह पे सिर्फ एक डॉट नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने खुद से लिखना है। अब ये देखिए ये ते आपको खुद से लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से, इसके ऊपर दो डॉट डालेंगे, ये ते बन गया। आगे ये टे ट्रेस करना है, टे के बाद आगे आपने से लिखना है, ये खुद से लिखेंगे आप बिल्कुल इस तरीके से, ये क्या बन गया से। आगे देखिए जीम है, अभी देखिए जीम लिखा हुआ है, इसको आप ट्रेस करेंगे। जीम के बाद चे आता है, इधर आप खुद चे लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से, चे आधा लाइन से ऊपर होगा और आधा लाइन के नीचे होगा, चे के थ्री डॉट्स होते हैं, इस तरह आप इसको मुकम्मल करें। इसी तरह आपने अपना ये पूरा पेज कंप्लीट करके कल मुझे इसकी पिक सेंड कर देनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।